हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन से एक नई नोटिफिकेशन आई है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या बातें इसमें लिखी गई है, क्या बताई गई है, सब कुछ आपको बताया जाएगा डिटेल्स में। और तैयारी किस महीने से शुरू की जाए कि वैकेंसी जब आए तो आपका तैयारी जो है आपकी तैयारी कम्प्लीट होनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों से मैं बता दूँ, पहले दाल रोटी का जुगाड़ कर लेता हूँ मैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी आपको दिख रही होगी। जो भी केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, पर्टिकुलरली पीआरटी की, उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा दिया जाएगा। साथ में 20 मॉडल सेट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप केबीएस पीआरटी की तैयारी अच्छे से कर पाओ। और जो DSSB एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन, नवोदय विद्यालय या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसकी भी प्रीवियस ईयर पेपर 100 रुपीज़ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जो सिर्फ केबीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, वो 150 में मॉडल सेट के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। और जो तैयारी कर रहे हैं, उनको पता ही होना चाहिए कि एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितना इंपॉर्टेंट है। ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी यहाँ से दिख रही है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन से नोटिफिकेशन क्या आई है। सबसे पहले आप यहाँ से डेट देख सकते हो, 12/9/2022 की एक अपडेट आई है, और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे कि क्या बातें यहाँ पर रखी गई है। सबसे पहले तो इस तरह के 85-60 नोटिफिकेशन की वीडियो मैंने बनाई कि आ गई बड़ी खुशखबरी, अब आ जाएगी केबीएस की वैकेंसी। इस तरह के वीडियो मैंने बहुत सारे बनाए हैं, व्यूज़ भी कमाए हैं उससे। लेकिन मैं सच में बताऊँ ना, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, थंबनेल भी आपने देखा होगा कि आ गई बड़ी खुशखबरी से ही मैं लगाऊंगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि ये रोटी का सवाल है। अब मैं यहाँ पे कुछ बता दूँ कि केबीएस की वैकेंसी कब आएगी पता नहीं, तो आप वीडियो देखने आओगे नहीं। इसी तरह इसमें देखिए कुछ बातें हुई है कि शायद एक होप बोलते हैं ना कि सकारात्मकता ही आपको जो है आगे लेकर जाएगी, नकारात्मकता तो लेकर जा नहीं सकती। यहाँ से देख लीजिए, फिलोसफिकल ज़्यादा नहीं होना है मुझे। सबसे पहले देख लीजिए, जो टीचर हैं जहाँ पे 50% रेगुलर जॉब कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, अभी आपने मेरे चैनल पर जाकर देखा होगा, 100-150 वीडियो तो केवल केवीएस रिक्रूटमेंट पर मैंने बना दी है। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी आती है, मैं बनाकर वीडियो डाल देता हूँ। तो रेगुलर जहाँ पे 50% से ज़्यादा टीचर काम कर रहे हैं ना, वहाँ पे ट्रांसफ़र की जो है प्रक्रिया हो चुकी है, और इनको जो है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जाएगा। यहाँ से आप कुछ नाम भी देख सकते हो, बहुत सारे नाम से भी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे कि इनका ट्रांसफ़र जो है एक जगह से दूसरे जगह किया जा रहा है। और ये अच्छी बात है कि लोग सेटल हो रहे हैं, और इसके बाद वैकेंसी आनी चाहिए। मुझे जहाँ तक लग रहा है अब वैकेंसी आ जानी चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि सर से पानी ऊपर जा चुका है। अब इतनी देर हो जाएगी ना कि जिन्होंने तैयारी पहले से कर रखी है उनका क्या होगा। सोच कर देखो कि आप पिछले 5 महीने से बिल्कुल जी जान से जुड़े हो केबीएस की तैयारी करने के लिए, और 5 से 6 महीने के बाद आपकी तैयारी हो जाती है बेकार, क्योंकि आपको लगता है वैकेंसी नहीं आएगी, आप पढ़ना बंद कर देते हो। फिर 5-6 महीने के बाद आपके अंदर एक स्प्रिट आती है, फिर से तैयारी करते हो, फिर से वही हाल। तो इस तरह से आपके साथ मजाक जो है पिछले 4 सालों से मोदी गवर्नमेंट कर रही है। देखिए, मोदी सरकार की मैं बात करूंगा तो जो मोदी जी के भक्त हैं, अंधभक्त मैं नहीं बोलूंगा, भक्त हैं, जो मोदी जी को चाहते हैं कि वो कंटिन्यूसली प्राइम मिनिस्टर बने, मैं तो कहता हूँ मोदी जी प्राइम मिनिस्टर रहते ही जो है उनकी डेथ हो जाए। वो 100 साल तक जिए, 100 साल से भी ज़्यादा जिए, और प्रधानमंत्री ही रहे। लेकिन मैं कहता हूँ ना कि जो लड़के के लिए आपके लिए ज़रूरत है वो काम तो कर दें मोदी जी। केबीएस की वैकेंसी नहीं आ रही, केबीएस की वैकेंसी आप निकाल दो, हमें तो नहीं चाहिए कुछ। एनबीएस के एग्ज़ाम के डेट निकाल दो आप, DSSB के एग्ज़ाम ले लो आप, जो आपके हाथ में वो काम तो कर दो आप, ताकि स्टूडेंट आपको याद रखे। याद रखिए, जो भी प्रधानमंत्री, अभी तो आप खूब वाहवाही वोट वगैरह ले रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि मोदी जी से भी ज़्यादा पॉपुलर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी रह चुके हैं, और उनसे ज़्यादा सीटें जीत चुके हैं। लेकिन लोग आज भी उन पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, इसी तरह से मोदी जी पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया जाएगा आगे, अगर वो काम अच्छे से नहीं करते हैं तो। और अब बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कब आएगी। फाइनली इतनी बातें तो हो गई, वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो देखिए, केवीएस की वैकेंसी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये साल अब नहीं आएगी। ऐसा मैं तो चाहता हूँ कि मैं गलत हो जाऊँ, केबीएस की वैकेंसी आ जाए इसी साल, लेकिन आएगी 2023 में। और केबीएस के पूरे एग्ज़ाम को लेने में, प्रोसेस को कंप्लीट करने में, इंटरव्यू से ज्वाइनिंग तक में ना 1 साल का टाइम लग जाता है। 1 साल के बाद ही जो है जॉब हो पाती है यहाँ पे। तो 2000 आ जाएगा क्या, 24 आ जाएगा, और 24 में क्या है, इलेक्शन, और मोदी जी हैं मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले। तो ये 2023-24 में ही वैकेंसी निकालेंगे ताकि इनको वोट बैंक का फ़ायदा यहाँ पर मिल सके।
ठीक है, तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं, थोड़ी बहुत तो पढ़ाई रोज़ कीजिए। अगर आप रोज़ पहले 5-6 घंटे पढ़ रहे थे तो 1 घंटे तो कम से कम कंटिन्यूसली पढ़ना जारी रखिए, काम आपका हो जाएगा। फिर से एक बार ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी देख लीजिए, जिनको पेपर मॉडल सेट की ज़रूरत होगी वो मेल या इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।